साथियों, आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया, आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे, कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ, भंगे दाओ गुड़िये दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। साथियों, वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां, माटी, मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? आया वो परिवर्तन? वो वादा पूरा किया जो आपको कहा गया था, वो किया गया? क्या किसान के, श्रमिक के, कर्मचारी के जीवन में वो परिवर्तन आया जो वो चाहते थे? आया क्या? क्या गरीब के जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या? गरीब और गरीब हो, ऐसा काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है? क्या पश्चिम बंगाल के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के युवाओं के रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या?